हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल एक बार फिर आप सभी के साथ एक अच्छे और आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो के साथ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने दो लॉयंस डाले हैं उसका पर्पस क्या है। क्योंकि आज के दोनों ही काउंटर शेर की तरह हैं, जो जब तक शांत रहते हैं तब तक शांत रहते हैं, लेकिन जब वो चलना शुरू करते हैं और खड़े होते हैं तो आसपास के सारी सिचुएशंस उनके फेवर में हो जाती है। और ये वो दो शेर हैं जिनकी सवारी अगर आपने करने सीख ली सो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा, बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। उस पैसे की कोई था नहीं हो सकती, इतना पैसा आप कमा सकते हैं इन दो शेयर्स के साथ। और ये दोनों ही काउंटर्स फ्यूचर मल्टीबैगर काउंटर्स हैं। अगर हम इनकी स्कोप देखेंगे, बिजनेस स्कोप देखेंगे तो बहुत ही औसम है। और ये दो काउंटर्स हैं रेडिको खेतान, जो कि डिशनरी एंड विब्रेजी सेक्टर से आता है, एंड नंबर टू स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज, जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स, नेटवर्किंग, IoT, स्मार्ट सिटीज, इन सभी सेगमेंट में काम करता है स्पेशली। और दोनों ही की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है, घटने वाली नहीं है। बिकॉज पहले समय हुआ करता था जब बच्चे अपनी मैरिज के बाद ड्रिंक करना शुरू किया करते थे, बाद में पिया करते थे, इवन नहीं भी पीते थे। बट अब जो सिनेरियो आ रहा है वो कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि कॉलेजेस में पढ़ते स्टूडेंट, इवन जो सीनियर सेकेंडरीज के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी क्लास पार्टी, कॉलेज पार्टीज करते हैं वीकेंड्स में, फ्रेंड्स के यहाँ मिलते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं। कॉलेजेस में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी एक वीकेंड पार्टीज होती हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं। सब जगह अल्कोहल्स एंड ड्रिंक का ही सेवन होता है। मोस्टली पीपल अब जो आ रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, वो बहुत ज़्यादा अर्ली एज में ही इनका सेवन करने लगे। तो डिमांड तो डेफिनेटली राइज करने वाली है और धीरे धीरे कर भी रही है, और वो चीज़ें हमें इन दोनों ही काउंटर्स की सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन और ग्रोथ में नज़र आता है। लेकिन दोनों ही काउंटर्स में अगर आपको एंट्री पोजीशन बनानी है, मैं आपको ये पूरी बात क्यों बता रहा हूँ, देखिए आप लोगों को लगता है कि फटाफट काउंटर्स बताइए, कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है बताइए एंड देन, लेकिन आप जनरली कब घुसना है कब निकलना है इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, मिसिंग कर देते हैं। वो मैं आपको तभी बताऊंगा वीडियो में जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। क्यों? रीज़न बिहाइंड कि मैं चाहता हूं आप मेरा वीडियो चाहे मत देखिए, लेकिन अगर देखिए तो उसको समझने की भी कोशिश कीजिए। और मैं इसलिए बता रहा हूं इन दोनों काउंटर्स के बारे में कि ये लॉयन है, क्योंकि शेर की सवारी तो बहुत आसान है, आप कर लो तो बहुत मज़ा आता है, कोई आपके आसपास नहीं आ सकता। लेकिन क्या आप ऐसा समझते हैं कि कोई भी आदमी शेर की सवारी कर लेगा? जी नहीं दोस्तों, शेर की सवारी करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा। हर कोई आदमी शेर के ऊपर सवार नहीं हो सकता। जो मास्टर होता है वही शेर को लीड कर सकता है, उसको पता होता है, जो ट्रेनर होता है, कि भाई शेर को कैसे खड़ा करना है, कैसे बैठाना है, कब उसको दौड़ाना है, कब उसको रोकना है। तो आपको ट्रेनर बनना है शेर का, आपको पता होना चाहिए कब क्या डिमांड है शेर की। और अगर आपने ये पता कर लिया देन डेफिनेटली ये दो काउंटर्स आपको इतना मोटा पैसा कमा के देंगे अगले 2-3-4 सालों में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इन दोनों काउंटर से। खैर, रेडिको खेतान स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज में अब हम लोग बात करते हैं पहले रेडिको खेतान के बारे में। सितंबर नंबर्स आए तो वो मैं आपको सितंबर नंबर्स दिखा देता हूं। यहां पर रेडिको खेतान के सितंबर क्वार्टर के नंबर्स हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया न्यूज दिखाता हूं जो कि इस काउंटर के लिए बहुत शानदार है। दोस्तों, इस काउंटर में लगभग 40% के आसपास की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, और उन प्रोमोटर्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग 6.8% के आसपास की प्लेजिंग है। और सफायर इंटरेक्ट्स लिमिटेड जो है, इसका ही टोटल शेयर कैपिटल जो भी है वो प्लेज किया हुआ है, ठीक है। और कुछ लोन्स वगैरह इन्होंने लिए हुए थे जिसका रीपेमेंट नहीं हुआ था, जो कि प्लेजिंग का मेन कारण है। मतलब प्लेजिंग का मतलब आप समझ लीजिए, बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्लेजिंग का मतलब बहुत ख़राब होता है। देखिए, आप लोगों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप लोग भी क्या करते हैं, आपके पास गोल्ड होता है उसको गिरवी रखते हैं एंड देन पैसा लेते हैं और उस पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं, जो भी आपके खर्चे होते हैं उनको पूरा करते हैं। देन उसके बाद आप अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को इकट्ठा करके दोबारा से आप सोनार के पास जाते हैं, उसको पैसा देते हैं और आपका जो भी प्लेज गोल्ड है उसको आप छुड़ा लाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने प्लेज करा दिया तो आप उसके बाद ये वो सिचुएशन आ जाती है कि भाई प्लेजिंग है, कि आपने उधर प्लेज कराया, अब आपकी माली हालत इतनी ख़राब हो गई कि आप उसको छुड़ा ही नहीं पा रहे हैं, आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपकी जॉब चली गई, सब कुछ चला गया, और फिर अब आप कहाँ से छुड़ाएं, तो वो प्लेजिंग के शेयर ख़त्म हो गए। ऐसा तब होता है, लेकिन जब आप जॉब करते हैं, जब आपका बिजनेस चलता है, जब आपको पता है अर्निंग्स हो रही हैं, तो आप पेमेंट को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप रीपेमेंट करते हैं, प्लेज शेयर जो छुड़ा लेते हैं, सिंपल तरीका होता है, यही कंपनीज करती हैं। तो सफायर इंटरेस्ट ने भी कुछ लोन्स लिए थे
IIFL एक्सिस फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से, और उस लोन का रीपेमेंट इन्होंने अब फाइनली किया है आकर अपने प्लेज शेयर्स को छुड़ाया है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर एक खबर है जहाँ पर ये इन्होंने बताया कि जो प्रमोटर्स होल्डिंग ऑलरेडी इनकम्बर्ड, जो कि ऑलरेडी जो इनकम्बर्ड हो सकती है, हो चुकी है, जो प्लेज हो चुकी है वो 3.46%। इसके अलावा अभी सफायर इंटरेक्स लिमिटेड जो है वो इन्होंने कहा रिलीज ऑफ द शेयर्स के बारे में बताया है, जो कि 16th अक्टूबर और 17th अक्टूबर 2018 अभी रिसेंटली ही इन्होंने रीपेमेंट किया है लोन का, जिसमें कि 12,50,000 शेयर्स जो कि IIFL के पास थे, IIFL वेल्थ फाइनेंस लिमिटेड के पास थे, उनको लोन रीपेमेंट करके उनसे छुड़ाए हैं। 4,00,000 शेयर्स एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से छुड़ाए गए हैं 16 अक्टूबर को, और 17 अक्टूबर को इन्होंने आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड को लोन रीपेमेंट किया है, और 5,00,000 शेयर्स को इन्होंने छुड़ाया है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो भी रीपेमेंट ऑफ लोन किया है तीनों को, अभी भी लगभग 1.84% के आसपास की प्लेजिंग स्टिल बचती है, जो कि यहाँ पर कहते हैं द पोस्ट इवेंट होल्डिंग ऑफ द एनकम्बर्ड शेयर, लगभग 1.84% की अभी भी प्लेजिंग रहती है। ओके, तो ये एक अच्छी खबर थी कंपनी की, कि कंपनी यू नो एक अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं जो कि प्लेज शेयर्स को छुड़ाया जा रहा है। इसके अलावा अगर क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर्स पोस्ट किए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सितंबर 17 में कंपनी ने लगभग 448 करोड़ की सेल की थी, वहीं पर सितंबर 18 में 517 करोड़ की थी, फ्लैट रही है जून के मुकाबले, फ्लैट रही है, बट सितंबर लास्ट सितंबर के मुकाबले कंपनी की सेल्स काफ़ी बेहतर रही है। उसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो जहाँ 28.5 करोड़ के प्रॉफिट थे लास्ट ईयर सितंबर में क्वार्टर के अंदर, वहीं अब की बार 49.54 करोड़ यानी 49.54 करोड़ के कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट है। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है ईयर ऑन ईयर ग्राउंड पे, और 2.15 से EPS बढ़कर 3.72 हो चुका है। अभी अपकमिंग आपको पता है कि स्टेट्स इलेक्शंस हो रहे हैं, 3 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, जिसमें कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और फिर आपके जनरल इलेक्शंस भी आने वाले हैं। और ये सभी जानते होंगे जब इलेक्शन पीरियड्स होते हैं तो स्पेशली जो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो ड्रिंक्स, जो भी अल्कोहल्स और जो विब्रेजी सेक्टर्स होते हैं उनकी डिमांड बहुत राइज हो जाती है, क्योंकि उनकी सेल, उनकी खपत बढ़ जाती है। ठीक है, और वही कारण है कि आगे के 2 क्वार्टर रेडिको खेतान के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं, और अगर सेल्स शानदार रही सो डेफिनेटली ये काउंटर आपको लगभग अगले 12 से 18 महीने में मैक्सिमम 550 तक के लेवल यहाँ से एट परसेंट लेवल से दिखा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रेडिको खेतान के बारे में बताया। उसके अलावा रेडिको खेतान में बाकी सारी चीज़ आप OPM देखेंगे, लगभग 16.27% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, लगभग 12.5 के EPS पे कंपनी ट्रेड कर रही है, 31 का PE है स्टॉक का, जबकि अगर पूरी इंडस्ट्री की PE आप देखेंगे तो लगभग मान के चलिए 57 के आसपास की इंडस्ट्री PE है टोटल इंडस्ट्री की, 91 इसकी बुक वैल्यू है कंपनी की, हालांकि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, एंड 52 वीक हाई इसका 500 है, 195 इसका 52 वीक लो है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, लगभग 13.33 करोड़ शेयर्स इसके मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं एट प्रेजेंट। ओके, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनको जो स्कोरिंग है, रेटिंग है, BSE की साइट पे आप देखेंगे, रेडिको खेतान रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन सितंबर 18, द स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड 33 फ्रॉम द 30 इन द पास्ट 3 मंथ्स। सो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कंपनी की, और आने वाले जो 2 क्वार्टर्स है उसमें भी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रह सकती है। बट अब लेवल्स क्या होने चाहिए, कहाँ पर हमें खरीदना चाहिए, कहाँ पर हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों ने फिलहाल आप लोगों के पास पोजीशन बनी हुई है सो डेफिनेटली आप बने रहिए, अभी जो आपको काउंटर के अंदर टेक प्रॉफिट का समय मिलेगा वो तकरीबन 400-420 के रेंज के आसपास मिलने वाला है, 410 इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस लेवल इन द रेडिको खेतान, वहाँ पर आप लोग चाहें तो पार्शल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और गिरावट पर दोबारा से वो क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, उससे आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों के ने अभी तक एंट्री नहीं ली है, अगर एंट्री पोजिशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, सो गाइज मैं आपसे यही कहूँगा कि फिलहाल अभी आप फ्रेश एंट्री के बारे में ना सोचें। मुझे लगता है जो फ्रेश एंट्री का सही समय रहेगा वो तकरीबन आपको 350 के आसपास रहने वाला है। अगर 350 के लेवल पर ये काउंटर दोबारा आता है देन आप लोग फ्रेश पोजीशन बनाइए, या फिर 415 रुपये के ऊपर आप लोग इस काउंटर के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाइएगा फॉर द टारगेट ऑफ 450 फर्स्ट एंड देन 495 सेकेंड। ये इसके लेवल्स हैं, इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे देन आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर आप लोग
भागते हुए सवारी को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई रेडी को खेतान अब भाग रहा है, ASMC आउट हो गया, लाओ 387 पर खरीदें। तो 387 पर खरीदने के बाद आप 410 पर नहीं बेच पाएंगे। क्यों? आपको 5-10 रुपये मिलेंगे, आपको लगेगा कि ऊपर निकलेगा काउंटर, एंड इमीडिएटली जैसे ही आप 38 जैसे ही काउंटर 400 के आसपास जाएगा, एंड वहाँ से या तो एक बहुत ही रैपिड राइज ऊपर जा सकता है, वो होता है देन वेरी गुड, बट चांसेस आर देयर कि वहाँ से एक गिरावट आ सकती है और काउंटर में लगभग 350 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग डेज के अंदर। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, आप लोग अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बेसिस पर ही आप आगे काउंटर में ट्रेड करिएगा। वीकली चार्ट कंपनी के बहुत शानदार हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो 350 अगर आता भी है देन वहाँ पर आप कुछ क्वांटिटीज़ को और ऐड करने की कोशिश कीजिएगा रादर बेचने के मुकाबले। होल्ड कीजिएगा अगले 12 से 18 महीने के लिए, काउंटर में टारगेट रहेगा मिनिमम 500 रुपीज़ के अंदर का। ओके, इसके अलावा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, टेक्निकली बात करेंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने कुछ दिनों पहले इसके नंबर्स के बारे में ऑलरेडी आपसे बात कर ली है। दोस्तों स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में मुझे चार्ट बहुत अच्छा लगता है। 365 इसका बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे, यानी कि अगर फ्राइडे की क्लोजिंग में काउंटर ने 365 या 370 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी देन डेफिनेटली आपको काउंटर लगभग 420 तक के लेवल भी दिखा सकता है, 410 तक के लेवल भी दिखा सकता है। और यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँगा, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो काउंटर में एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है 393 का। 393 एक बार काउंटर ने क्लोज कर दिया तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला है, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज करना पड़ेगा, एक फ्लक्चुएटेड वे में नहीं करना पड़ेगा, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर एक अच्छी क्लोजिंग देता तो मैं मान के चलता हूँ कि जिनको फ्रेश पोजिशन बनानी है वो या तो वेट करें अभी काउंटर में, और काउंटर में लगभग 330 या 325 की रेंज अगर आती है, 330-335 भी आती है देन आप निवेश कीजिएगा, या फिर जब काउंटर 400 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है वीकली चार्ट पे, तब आपको एक अच्छी मजबूत तेजी देखने को मिलेगी काउंटर के अंदर, और फिर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 392 का रहेगा। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा स्टॉप लॉस भी आ जाएगा, लगभग 390 का स्टॉप लॉस आ जाएगा, 400 के ऊपर आप एंट्री पोजीशन लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 450 से 470 रुपीज़ इन द नेक्स्ट 6-9 मंथ के अंदर। और अगर काउंटर में आप लगभग 2 साल के लिए रुक सकते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में, सो गाइज मुझे कहते हुए थोड़ा सा भी झिझक नहीं हो रही कि ये काउंटर आपको 550 तक के टारगेट दिखा सकता है अगले 2 साल में एटलीस्ट, अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिव मोड में बात करता हूँ तो। ओके, सो ये हमने बात की स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, टेक्निकली बताया हमने क्योंकि ऑलरेडी डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, और आप सभी को स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के नंबर्स के बारे में बता चुका हूँ मैं। रेडिको खेतान में नंबर बहुत बढ़िया है, और रेडिको खेतान में मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट करें फ्रेश एंट्री लेने के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ सम स्मॉल गैप इन द रेडिको खेतान, और जो स्मॉल गैप लगभग 355 के आसपास बंद होता है, क्लोज होगा, तो यहाँ से चूंकि ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग दे दी है, और जब गैप अप ओपनिंग दे दी है तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर नहीं रहा, लगभग 400 रुपीज़ के आसपास 13-15 रुपये के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो आप लोग प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे 13-15 रुपये में, और वहाँ पर आप लोग फंस सकते हैं अपने इस काउंटर के अंदर। तो अभी आप वेट कीजिएगा, काउंटर अगर 400 के ऊपर की क्लोजिंग देता है देन आप बाय कीजिएगा 450 के लिए, अदरवाइज आपको 350 के लेवल्स आपको रेडिको खेतान में देखने को मिलेंगे, आप वहाँ पर फ्रेश पोजिशन को बना सकते हैं। सो ये दो वो शेयर हैं जिनकी सवारी अगर आपने सही समय पे की देन डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया और बहुत मोटा पैसा कमाएंगे हमेशा, ऑलवेज इन एनी मार्केट। लेकिन जल्दीबाजी में ग्रीड के चलते अगर आपने ख़रीदारी करने की कोशिश की तो आप गलत लेवल पर एंट्री लेंगे, मार्केट में तो प्राइस गिरेगा, आप पैनिक होंगे, आप लॉस में बेचेंगे, फिर आप इन दोनों काउंटर्स को भी कहने लगेंगे कि दोनों ही बेकार काउंटर हैं, जबकि गलतियाँ किसकी होती है? हमारी, बिकॉज हम गलत लेवल्स पर खरीदते हैं, हम मार्केट के ट्रेंड को बिना समझे मार्केट में एंट्री पोजीशन लेते हैं, हम ट्रेंड को नहीं समझते हैं, और हम गलत टाइम पर एक मुश्त रकम, या अब यूं कह लीजिए कि हम लोग एग्रेसिव मोड में ट्रेड ले लेते हैं, हमको लगता है कि एक दिन की ट्रेड में हमें फ़ायदा हो गया, 2 दिन की ट्रेड में हमें फ़ायदा हो गया, 1 हफ्ते से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, 1 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं, अरे मुझे ट्रेड करना आ गया। जहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस आया, जहाँ पर आपकी टीचेबिलिटी ख़त्म होती है, वहीं पर समझ लीजिए आपका डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाता है। सो हमेशा टीचेबल बनिए, सीखिए, समझिए, कहीं से भी मिले। पीछे मैंने 1-2 वीडियोस डाले थे जो कि CNBC आवाज़ के थे, जो कि अब आप लोग अनिल सिंघवी की अगर बात करेंगे, अगर आप लोग शंकर शर्मा की बात करेंगे, तो दोस्तों जब वो लोग लाइव मार्केट में आते हैं उस वक्त
वो जो पोजीशंस बताते वो आपके लिए नहीं बताते, वो उन एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए बताते जिनको स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने आते हैं, वो आप लोगों के लिए हमारे लिए नहीं है। उन्होंने आपसे नहीं कहा कि आप टीवी खोल कर सीएनबीसी आवाज़ देखो, उन्होंने जीबी, ये आप लोग देखते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मार्केट आर्ट्स में आप अगर देखोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं नुकसान होंगे, लेकिन जब इन लोगों के इंटरव्यूज आते हैं, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी टैलेंटेड, ऐसे ही नहीं टीवी पर आ गए, ऐसे ही नहीं इनके आर्टिकल्स छप रहे हैं, ऐसे ही नहीं इन लोगों के इंटरव्यूज हो रहे हैं, इन्होंने उन लेबल्स को अचीव किया है दोस्तों। और अगर आप खुद जब तक उनसे ऊंचे नहीं निकल सकते, तब तक आप दूसरे को आप कह सकते हैं कि वो आपको गलत एडवाइस कर रहा है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, बट जिस वक्त इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, जिस वक्त ये कुछ अच्छी एडवाइस कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ यू नो स्टॉक प्राइजेस, स्टॉक नेम्स, तब तो आप उनके एडवाइस को समझिए, तब आप उसको सीखिए, आप उसको सीखेंगे समझेंगे, हाँ कैसे मार्केट के अंदर हमें पोजीशन लेनी है, कैसे स्टॉक में ट्रेड करना है, फिलहाल मार्केट अभी कैसा चल रहा है, क्या मार्केट खत्म होने वाला है या अभी मार्केट में पोजीशंस बनाने का था? शंकर शर्मा ने सही बात कही है, बड़ी मंदी बड़े मौके देती है आपको। आप चाहते तो हैं कि आपके मल्टीप्लाई हो जाए वेल्थ, लेकिन आप मंदी से डरते हैं, तो अगर आप मंदी से डरेंगे तो दोस्तों मार्केट के अंदर आप टिक नहीं पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज स्टॉक मार्केट का एक ही थंब रूल है कि आप उस पैसे के साथ खेल सकते हैं केवल जिस पैसे के आने या जाने से आपको फ़र्क कम पड़े। फ़र्क तो पड़ता है सबको, लेकिन कम फर्क पड़े, आपकी रेगुलर लाइफ में किसी भी तरह का प्रभाव ना हो। लेकिन अगर आपने उस पैसे का निवेश करके शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दिया जिससे आपकी रेगुलर लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है, तो डेफिनेटली ये आपकी गलती है, ये ना तो शंकर शर्मा की गलती है, ना अनिल सिंघवी की गलती है, ना ही ये अतुल सिन्हा की गलती है, ना ही किसी दूसरे और एनालिस्ट की गलती है। तो आप सीखना शुरू कीजिए, टीचेबल बनिए, कहाँ पर गलती, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम लोग, मैं भी हूँ उनमें शामिल, इवन ऐसा नहीं कि मैं लॉसेज नहीं लेता, मैं भी लॉसेज लेता हूँ, तो जब तक हम लोग अपनी गलतियों से सीखना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात कुछ हद तक समझ में आई होगी, और दोस्तों अगर समझ में आए तो प्लीज़ उनको फॉलो कीजिएगा, आपके हित की बात है, आप पैसा कमाएंगे उससे आप मुझे कुछ नहीं दे देंगे, ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए, आपका नुकसान होगा। थोड़ी तकलीफ़ होती है कि जब कमेंट्स आते हैं कि आपके बताए हुए शेयर्स में नुकसान हुआ, लेकिन उस वक्त मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने स्टॉप लॉसेस को क्यों इग्नोर कर दिया। सो गाइस, टीचेबल बनिए, समझिए मार्केट के ट्रेंड को, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना सीखिए, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड नहीं होती है। लॉन्ग टर्म के लिए जो आप होल्डिंग लेते हैं उनके लिए डीप स्टॉप लॉसेस होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड होते हैं उनके लिए बहुत ही माइनर स्टॉप लॉसेस होते हैं, उनको आप समझिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी ट्रेड्स कैसे बेनिफिट देती हैं, कैसे फ़ायदा कराती हैं, और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएंगे दोस्तों। सो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ और स्टॉक्स के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, समझदारी से पैसे का निवेश कीजिएगा, मार्केट में अभी बुलिशनेस नहीं है, बुलिश ट्रेंड आप इसको नहीं कह सकते, 10,450 एंड 10,590 इनके अगले दो लेबल्स हैं, दो पड़ाव हैं, अगर दो पड़ाव पार हो जाते हैं देन 10,800 का इसका नेक्स्ट पड़ाव रहेगा। अभी मार्केट स्लोली मूवर है, एक बात क्लियर हो चुकी है कि 10,000 का लेबल मार्केट होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, और अगर ये बने रहे 10,000 का लेवल बना रहा, और जो तीन स्टेट्स में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं उनकी रिजल्ट्स जब आएंगे तो उन रिजल्ट्स के बेसिस पर मार्केट अपनी नई चाल तय करेगा। अगर तीनों ही स्टेट्स के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, अगर तीनों ही स्टेट्स के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रही, या जिस तरह से पोलिंग यू नो एबीपी न्यूज़ वाले दिखा रहे थे कि तीनों स्टेट्स में बीजेपी हार जाती है, अगर मैं कहता हूँ इन्हें सिंगल 1% भी अगर कहता हूँ कि बीजेपी तीनों स्टेट्स में हार जाती है, देन मार्केट इसको रिवर्स लेगा और फिर आपको 10,000 के नीचे के लेबल दिखाई दे सकते हैं। सो वीबीआर सावधान रहिएगा, बहुत ही आपको बुलिशनेस में एक्साइटेड नहीं हो जाना है, सारा पैसा नहीं लगाना है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है आप लोग कर सकते हैं, मार्केट में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, ठीक है, अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते रहिएगा, समझते रहिएगा, और उसके बाद सही रणनीति के साथ उसमें निवेश करते रहिएगा, डेफिनेटली आप लंबे समय में अच्छा और बड़ा मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, दीपावली बहुत जल्दी आने वाली है, तो मैं आप सभी को पहले से शुभकामनाएं देता हूँ। धनतेरस का दिन आप लोगों के लिए दिन दुनिया रात चौगनी तरीके से तरक्की लेके आए और आप खुशहाल जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। धन्यवाद दोस्तों।